नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आप विदेश यात्रा के बारे में, कि आपकी विदेश की यात्रा होगी कब और क्या आप विदेश से पैसा कमाकर आप अपने वतन वापिस आएंगे, कि आप विदेश में ही जाकर अपना कर्म भूम बनाएंगे और वहीं पर आप परमानेंट बस जाएंगे। वो कौन सी रेखा है, कौन सा पर्वत है जो विदेश ले जाने में आपकी मदद करता है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है और ये वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे उसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहली हमारी ये जीवन रेखा है। जीवन रेखा हमारे जीवन क्रम के होने वाले एक एक घटनाक्रम के बारे में बताती है। ये हमारी मस्तिष्क रेखा है। हम किसी बात को कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमारा मन कितनी गहराइयों से काम कर रहा है उसके बारे में बताती है। और ये हमारी हृदय रेखा है। हृदय रेखा हम किसी के साथ कितना इमोशनल प्यार है हमारा उसके बारे में बताती है। सबसे पहले अगर हम विदेश की यात्रा के बारे में बात करते हैं तो ये चंद्र का क्षेत्र देखते हैं। इसको हम चंद्र का क्षेत्र बोलते हैं, चंद्र पर्वत बोलते हैं। यहां पर अगर ये त्रिकोण बनता है, ये काफी शुभ साइन माना जाता है। विदेश यात्रा से आप अपने लाइफ में अच्छा धन अर्जन करेंगे, अच्छा पैसा कमा के आप अपना नाम शोहरत आपको सब कुछ हासिल हो जाती है। ऐसे लोग अपने घर से दूर जाकर पैसा कमाने में काफी माहिर होते हैं और उनकी जिंदगी का एक मुकाम बनता है कि वो उनका जो भाग्य उदय होता है अपने घर से दूर पर ही होता है। अब इस हमारे चंद्र पर्वत के क्षेत्र से एक भाग रेखा, ये भाग रेखा चलकर मस्तिष्क रेखा को काटते हुए, हमारे इस हृदय रेखा को काटते हुए शनि के पर्वत तक पहुंच जाती है। ये अति उत्तम निशानी है कि आपको भाग आपका प्रबल है, आप विदेश से काफी अधिक मात्रा में धन संग्रह करेंगे। इसी के साथ आपकी विदेश की यात्रा कब होगी और कौन सी साल में होगी उसके लिए हम देखते हैं। ये हमारे शुक्र का क्षेत्र है, इसको हम शुक्र का क्षेत्र बोलते हैं या शुक्र का पर्वत बोलते हैं। यहां से एक रेखा जो हमारे इस केतु के पर्वत पर आती है, ये केतु का पर्वत है। यहां पर पहुंचने का संकेत केतु का पर्वत और चंद्रमा का पर्वत, ये उन्नत का होना चाहिए, उठा होना चाहिए, आपके अंदर जो विदेश जाने की प्रबल इच्छा को जाहिर करता है। और ये जो हमारी भाग रेखा है इसके ऊपर लहरदार रेखा ना हो, कटी फटी रेखा ना हो, इसमें दीप ना हो, तिल ना हो, क्रोस ना हो, तो ये आपके लिए अति उत्तम फल देने वाली होती है। और आप कौन सी साल में विदेश की यात्रा करेंगे उसके लिए आपको बताती है। ये हमारी जो जीवन रेखा से निकलने वाली नीचे की तरफ रेखा आती है, ये हमारे इस वर्ष में आप जीवन में अवश्य आप विदेश की यात्रा करेंगे। इसी के साथ अब आप क्या विदेश जा करके वहां से आप पैसा कमा के वापिस अपने वतन लौटेंगे या परमानेंट वहीं पर होंगे उस रेखा को देखते हैं। आपकी कौन सी वो रेखा है जो परमानेंट के बारे में बता रही है। अब ये रेखा, ये जो एक रेखा हमारी जीवन रेखा से चलकर ये हमारे चंद्र के क्षेत्र पे पहुंच रही है। चंद्र क्षेत्र पे पहुंचने का मतलब है कि आप विदेश में अपनी कर्म भूमि बनाएंगे, आप विदेश से पैसा अर्जित करेंगे और एक दिन आप विदेश में परमानेंट सेटलमेंट हो जाएंगे। लेकिन आप किर प्रोफेशनल के लिए जाएंगे,
अगर ये हमारी जो जीवन रेखा है, ये जीवन रेखा से ये चंद्रमा के क्षेत्र पे आती है, तो आपको विदेश के परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बता रही है, लेकिन आप मान सम्मान प्राप्त करेंगे उसके लिए भी देखते हैं। ये जो छोटी छोटी रेखाएं हैं, एक शहर से दूसरे शहर के आवागमन के बारे में बताती है। अब ये जो सूर्य की रेखा है, अगर इस हमारे विदेश वाली यात्रा के साथ टच होती है, तो ऐसे लोग विदेश में जाकर काफी खूब मान सम्मान प्राप्त करते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसे का जो प्रोफेशनल होगा वो किस बेस पे होगा। अब ये बुध की एक रेखा हमारे इसी विदेश की यात्रा से जुड़ती है। ऐसे लोग जो होते हैं अपने बिजनेस के दम पे, जो उनका आवागमन होगा विदेश के लिए, वो बिजनेस के दम पे अच्छा पैसा कमाते हैं, नाम और शोहरत कमाते हैं, लेकिन अगर ये विदेश की यात्रा के साथ अटैचमेंट होती है, ये बुध की रेखा में क्रोस दीप तिल वगैरह नहीं होना चाहिए, तो आप एक दिन बहुत बड़े उद्योगपति तक बनते हैं ऐसे लोग, और जिंदगी में हर मुकाम को आप हासिल करेंगे, विदेश में जाकर नाम और यश कमाते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।